दूर आप देख रहे हैं मलिक टेक। इस वीडियो में जा रहे हैं कैसे HDFC डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का OTP जनरेट करना है, क्योंकि जनरली होता है क्या कि HDFC का ATM पिन सेट करने के लिए आपको ATM जाना पड़ता है, तो वहां पर आपके मोबाइल में OTP होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर ATM पिन जनरेट नहीं होता है HDFC के। तो आपको पहले से ही बैंक OTP मोबाइल पे भेज देती है, लेकिन उसका वैलिडिटी बहुत कम रहता है, 10 से 15 दिन तक वो एक्सपायर हो जाता है। आपका भी EMV चिप वाला ATM कार्ड आया होगा या फिर न्यू ATM कार्ड आपको पिन सेट करना है, तो उसका OTP आपके मोबाइल में भेज दिया जाता है। तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो OTP पर ध्यान नहीं देते हैं और OTP एक्सपायर हो जाता है, फिर ATM जाकर वो पिन सेट करते हैं तो नहीं होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको न्यू OTP जनरेट करना है ATM पिन सेट करने के लिए। HDFC डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का सेम प्रोसेस है। OTP जनरेट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन, आप बैंक जा सकते हैं, बैंक जाकर आप फिर से OTP के लिए मांग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप SMS के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन SMS वाला फीचर्स अभी काम नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन आपके पास सिर्फ नेट बैंकिंग बचता है, नेट बैंकिंग के ही थ्रू आप आराम से तुरंत अपना OTP जनरेट कर ATM में जाकर पिन सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस करना है, सिर्फ 2 मिनट में आप अपना OTP जनरेट कर लेंगे और न्यू ATM पिन आराम से सेट कर लेंगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें कैसे आपको 1-time पासवर्ड जनरेट करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले HDFC का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है, आप देख रहे हैं HDFC.com, तो ये आपको खोल लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन का सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी फिलअप करना है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो नेट बैंकिंग रजिस्टर करने की जरूरत HDFC बैंक में नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्ट आप फॉरगेट कर सकते हैं अपना कस्टमर आईडी, नहीं तो कस्टमर आईडी आपके बैंक पासबुक में होगा, आपके स्टेटमेंट में होगा, आपके चेकबुक में होगा, वहाँ से आप देख कर यहाँ फिलअप कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास है फॉरगेट भी कर सकते हैं। चलिए आप कस्टमर आईडी फिलअप करते हैं। कस्टमर आईडी डालने के बाद यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का आपको पिन डालना है। इंटरनेट बैंकिंग का पिन भी आप भूल गए हैं तो इसे भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। वैसे आपको जब नया अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको बाई पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग का पिन दिया जाता है, अगर वो भी नहीं है तो वहाँ से आप फॉरगेट आराम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का डिटेल और मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड फिलअप करते हैं। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है आपको। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस दिखेगा। पहले ये नहीं होता था, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज के कारण ये कर दिया गया है। तो आपके मोबाइल नंबर पर हर बार नेट बैंकिंग खोलेगा तो OTP जाएगा। मोबाइल के ऑप्शन में टिक लगाकर आपको कंटिन्यू कर देना है। तो 1-time पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेट बैंकिंग खुलते ही ऊपर आपको 5-6 ऑप्शंस दिख जाएंगे, अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रिचार्ज, कार्ड डिमांड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड लोन ऑफर्स। तो यहाँ पर आपको 4th नंबर पर क्लिक करना है जो कार्ड सेक्शन वाला है। तो कार्ड सेक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना है। तो दोनों में सेम ऑप्शंस है, आपको रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो रिक्वेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको 5-6 ऑप्शंस दिख जाएंगे, डेबिट कार्ड हॉटलिस्टेड और इंस्टेंट पिन जनरेशन, रीइश्यू ऑफ हॉटलिस्टेड कार्ड, अकाउंट लिंकिंग टू डेबिट कार्ड, मॉडिफाई इंटरनेशनल लिमिट। यहाँ पर से लिमिट आप इंक्रीज कर सकते हैं इंटरनेशनल कार्ड यूजेस का। तो यहाँ पर आपको पिन जनरेशन पे क्लिक करना है, आपको OTP जनरेट करना है, तो पिन जनरेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कार्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर आपसे अपना कार्ड सिलेक्ट कर लें, जितने भी कार्ड आपके अकाउंट में ऐड होंगे। कार्ड ऐड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीज़न पूछेगा आप किस लिए OTP जनरेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर 5-6 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि आप पिन फॉरगेट कर गए हैं, या पिन आपको रिसीव नहीं हुआ, या पिन ATM एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या पिन गलत है। तो यहाँ पर आप जो भी इश्यूज हैं डाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पिन रिसीव नहीं हुआ है या फॉरगेट कर गए हैं। इसके बाद आपको कन्फर्म कर लेना है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट यही है ना, इसी पर आपका जाएगा OTP। यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें आपको टिक लगा देना है कि हाँ सारे टर्म एंड कंडीशन हम फॉलो करते हैं। और नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं कैसे कैसे सेट करना है, ऐसे मैंने वीडियो बना रखा है आपको कैसे ATM पिन सेट करना है, तो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप घर बैठे भी ATM पिन सेट कर सकते हैं, इतना प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन ही करना है इंस्टेंट पिन जनरेशन में दबाकर ही पिन सेट कर सकते हैं, फिर आपको ATM भी जाने की ज़रूरत नहीं है और OTP भी जनरेट करने का ज़रूरत नहीं है। दोनों प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब आप OTP जनरेट खुद से ही करेंगे तो फिर आप क्यों ना इंस्टेंट पिन जनरेशन ही कर रहे हैं। तो उस पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि कैसे घर बैठे ही अपना ATM पिन आप सेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इनको ये प्रोसेस करना है। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर।
तो डेबिट कार्ड पिन जनरेशन सक्सेसफुल, यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा इस तरह से, और उस ओटीपी के आप 15 दिन के अंदर फिर से एटीएम में जाकर आपको पिन सेट कर लेना है। तो वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों को भी जिन्होंने अपना एटीएम पिन सेट नहीं किया है, क्योंकि 31 दिसंबर तक सभी को ईएमबी चिप वाला एटीएम कार्ड इशू हो गया है, तो आप सभी को ईएमबी चिप वाला एटीएम कार्ड भी आ ही गया होगा, उसका भी पिन सेट करना ही होगा। तो इस तरह से आप अपना पिन सेट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर आपको और भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक आपने HDFC का न्यू एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया है तो आप न्यू एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो अब वर्किंग करने लगा है, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।